वेलकम टू न्यू एक्सपेरिमेंट। तो गाइज़ यार, आज हमारे हाथ में काफ़ी पावरफुल चीज़ लगी है, काफ़ी तगड़ी सी चीज़ लगी है। ये है आरओ के अंदर मिलने वाली मोटर, जो कि 775 मोटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसके मुकाबले अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हेवी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, इसका वोल्टेज है 24 वोल्ट डीसी के ऊपर ऑपरेट होती है। और यार गाइज, हमने काफ़ी सारे वीडियोस में ऐसा देखा है कि इसको घुमाने के ऊपर एक जनरेटर की तरह अभी काम करती है। मतलब यहाँ से इसके ऊपर 100 वाट का जो बल्ब है वो जला कर दिखाया जाता है इसको घुमा कर। तो आज हम यही टेस्ट करेंगे, इसको हम भी ड्रिल मशीन से ही घुमाएंगे और चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज कितना एम्पियर आता है। यही हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर है ये, मैंने इसको पावर देकर चला के भी देखी तो ये हाथ में नहीं पकड़ी जाती यार। वो भी हम एक्सपेरिमेंट किसी दिन करेंगे कि ये कितना ज़्यादा लोड उठा सकती है, कितना वजन लिफ्ट कर सकती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इसको घुमाने के ऊपर कितना ज़्यादा पावर निकलता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक मोटर लेकर आ गया हूँ, उसके साथ साथ एक मल्टीमीटर लेकर आ गया हूँ, और उसके साथ साथ जो है एक ड्रिल मशीन, जो कि इस मोटर को पल हम इस शाफ्ट के अंदर इस ड्रिल को लगाएंगे, घुमाएंगे और यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के इसका वोल्टेज और एम्पियर टेस्ट करेंगे, जिससे आपको भी पता लग जाए और आपको भी एक आइडिया आ जाए कि आपको इसको ख़रीदना चाहिए या नई जनरेटर के लिए। तो चलो हम इसको जल्दी से ऐसे असेंबल करते और इसको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क। इसके शाफ्ट के अंदर हम जो ड्रिल मशीन है उसको लगा देते हैं। तो देखो गाइस, इसके शाफ्ट के अंदर तो जो ड्रिल मशीन है वो लग चुकी है और अभी ये फ्री घूम रहा है, कुछ भी लोड नहीं है, काफ़ी इजीली चल पा रहा है। तो चलो अब इसकी जो वायरें है इसके ऊपर मल्टीमीटर की प्रॉब लगा देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम पहले सबसे मल्टीमीटर को जो है डीसी के ऊपर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डीसी के ऊपर सेट कर दिया है, आपको दिख ही रहा होगा। डीसी के ऊपर इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारी मोटर होती है ये डीसी करंट ही निकालेगी। यहाँ पे रेड और ब्लैक दिख रहा है, आपको डीसी मोटर है तो ऑब्वियस सी बात है डीसी करंट ही निकालेगी। तो चलो इसके जो प्रॉब्स है उनको यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लगा देते हैं और जो निगेटिव है उसको यहाँ पे निगेटिव के साथ लगा देते हैं। जिस ड्रिल जो है उसको चलाता हूँ और फिर आप यहाँ पे जो है रीडिंग नोटिस करना कि कितना जो है यहाँ पे कितने वोल्टेज तक जाता है। आई होप आपको कैमरा में ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो चलो देखो, अब मैं इसको काफ़ी स्लो घुमा रहा हूँ तभी इसके अंदर 8 वोल्टेज के करीब जनरेट हो रहा है। तो चलो अब थोड़ा थोड़ा इसके जो है स्पीड बढ़ाते चलते। देखो 12, 13, 16, 18, 19, 24, 25 वोल्टेज तक ये चला गया है। और अब मैंने ड्रिल को फुल कर दिया है तो आप देख सकते हो कि 40 वोल्टेज के करीब करीब आ चुका है, मतलब 40 वोल्टेज और 40 के भी थोड़ा सा ऊपर। मतलब ये जो मोटर है इस ड्रिल के में से वोल्टेज तो ठीक ठाक निकल रहा है, आपको मैंने दिखा दिया 40 वोल्टेज के करीब करीब निकल रहा है, मतलब 40 वोल्टेज। अगर गाइज यार इसके जो एम्पियर है वो भी अच्छे निकल जाते हैं तो फिर तो यार गाइज मज़ा आ जाएगा, इसका हम यूज़ करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो गाइज यार, आप मुझे कॉमेंट में बताना कि इसका यूज़ करके आप और क्या देखना चाहते हो, मतलब कोई प्रोजेक्ट अगर देखना चाहते हो, कोई मस्त सा प्रोजेक्ट आइडिया अगर आप मुझे देते हो तो मैं इसका यूज़ करके वो प्रोजेक्ट हमारे मेन चैनल के ऊपर बनाऊँगा, और अगर एक्सपेरिमेंट रहा तो इस चैनल के ऊपर करेंगे। तो चलो जल्दी से ये जो प्रॉब है इसको हम यहाँ से निकल के 10 एम्पियर के अंदर दे देते, और फिर मैं ये जो ड्रिल है इसको मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे एम्पियर मोड के ऊपर सेट कर देता हूँ। इसके अंदर ऐटो मोड है जिसके अंदर इसको सेट करना होता है। तो चलो अब यहाँ पे मैं ड्रिल का जो ऐसे ही ये ट्रिगर दबाऊँगा तो आप एम्पियर नोटिस करना कि कितने एम्पियर तक जाता है। तो गाइज आपने देखा कि एम्पियर भी जो है काफ़ी अच्छा खासा निकल रहा है, करीब करीब 2 एम्पियर के लगभग जा रहा है। तो अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखो यार गाइज, एम्पियर भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, मतलब ये जनरेटर की तरह काफ़ी मस्त काम कर रहा है। 40 वोल्ट और 2 एम्पियर के करीब करीब, मतलब 40 × 2 मतलब 80 वैटेज के करीब करीब ये निकाल दे रहा है। काफ़ी पावरफुल ये मोटर है। तो गाइज यार, अगर आपको इस मोटर से रिलेटेड अगर एक्सपेरिमेंट भी देखना है या फिर कोई मेकिंग की वीडियो देखनी है, जो भी कुछ देखना है, आप मुझे कमेंट के अंदर सजेस्ट कर सकते हो। मैं आपकी जो सजेशन है उसको ज़रूर यहाँ पे सोचूंगा, उसके बारे में अगर बनाने जैसी कोई चीज़ हुई तो ज़रूर बनाऊंगा। इसलिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो भी लाइक कर देना, और अगर बुरी लगी तो डिसलाइक
डिसलाइक भी कर सकते हो। और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हमारे इस चैनल के ऊपर आते रहते। और एक बार हमारा जो मेन चैनल है उसके ऊपर जाकर उसकी भी वीडियोज़ जो है चेक कर लो, काफ़ी नई नई वीडियो आ चुकी है अगर आपने नहीं देखी। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।